अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाने जा रही हूँ आज स्पाइसी चिकन करी। इसके लिए हमें लगेगा 250 ग्राम चिकन, 1/2 चम्मच साजीरा, 8 लवंग, 8 काली मिरी, 3 इलायची, 4 लवंग, 1/2 चम्मच जीरा, 4 दालचीनी के टुकड़े, 2 छोटे टमाटर, 2 तली हुई प्याज, 2 कद्दूकस किया हुआ नारियल तला हुआ, 4 हरी मिर्च, सूखा हुआ हरा धनिया, 1/2 चम्मच अदरक, 1/2 चम्मच लहसुन। और हम लेंगे, अब हम मिक्सर में ये पीस में पूरा पीस लेंगे गरम मसाले के साथ। तला हुआ नारियल, कद्दूकस किया हुआ, तली हुई प्याज, और टमाटर। जितना हमने मसाला दिखाया था उतना हमने ये पीस लिया है मिक्सर में। अभी हमें एक देखे में हम 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे और उसमें हम 1/2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे, 1 इलायची डालेंगे, 3 काली मिरी, 2 लवंग और 1/2 प्याज डालेंगे। मीडियम साइज की 1/2 प्याज कट करके हम उसमें डाल देंगे और उसे अच्छे से हिला के, पूरा नहीं पकाना है, अच्छे से डाल के हिला के फिर उसमें हम चिकन डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 1/2 ग्लास हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हमें इसे अच्छे से हिलाकर 15 से 20 मिनट तक इसे ढक के रखना है। अच्छे से पकने के लिए अब हम एक डेगची लेंगे, उसमें 4 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इसमें हम एक मैंने बड़ा आलू लिया है, वो आलू मैंने 1 आलू के 8 पीसेस किए हैं, उसे मैं अच्छा फ्राई कर लूँगी। हमारे बटाटे तल के रेडी है, हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। अब हमारा तेल ज़्यादा गर्म है, इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा मसाला, हमने जो पीसा हुआ है मसाला है वो हम थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के फ्राई करेंगे। अच्छे से हिलाते रहेंगे
हमें एकदम से पूरा मसाला नहीं डालना है, नहीं तो हमारा तेल ज़्यादा गर्म रहने से है। मैंने डाल के अच्छे से हिलाया, हमने मिक्सी में जो मसाले का जो पानी बचा हुआ था वो हमने इसमें डाला है। अभी हमें जितना पतला, जितना हमें गाढ़ा चाहिए, जितना थिक चाहिए, उतना हम पानी इसमें डाल सकते हैं। आपको उसमें मिर्च पाउडर कम लेना है तो आप कम ले सकते हो। स्पाइसी बनाने के लिए मैंने इतना मिर्च पाउडर और हरी मिर्च डाली है, आप इससे भी कम ले सकते हैं। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना ग्रेवी आप थिक या गाढ़ा या थिक बना सकते हैं। मैं और उसमें चेक कर नमक चेक करने के बाद मैंने और नमक डाला है, हमें और नमक की ज़रूरत थी इसके लिए मैंने और नमक डाला है। आप भी चेक करने के बाद ही नमक डालना, क्योंकि हमने बॉईल करने के टाइम पे नमक डाले हुए थे चिकन में, इसके लिए इसे डाले। हमारा रेसिपी रेडी है, हमारा चिकन करी रेडी है। अब हम चेक करेंगे हमारा चिकन अच्छे से गला है, अच्छे से रेडी हुआ या नहीं। हमारा चिकन पूरी तरीके से टूट रहा है। हम आलू को भी चेक करेंगे, आलू भी हमारा अच्छे से पक गया है। अभी हम इसे एक बाउल में सर्व करेंगे। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम इसे चपाती के साथ अच्छे से सर्व करेंगे, प्याज के साथ, चपाती के साथ। आप तंदूर की रोटी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हो, या ज्वारी की रोटी, बाजरे की रोटी के साथ भी आप इसको